अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कुर्बानी आखिरत में अजीम समरा है। इरशाद फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी कुर्बानियों को खिला पिला कर खूब कवी किया करो, क्योंकि वो कुलसरात पर तुम्हारी सवारियां होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये बात रिवायत है। और सवारियां होने के दो मतलब बयान किए हैं, एक के कुर्बानी के जानवर खुद सवारियां हो जाएंगी, और अगर कई जानवर कुर्बान किए हों तो सब के बदले में एक बहुत अच्छी सवारी मिल जाएगी। एक एक मंजिल में एक एक जानवर पर सवारी करेंगे। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि कुर्बानियों की बरकत से पुलसरात पर चलना आसान होगा, गोया कि खुद उन पर सवार होकर पार हो गए। एक शख्स थे कि अय्याम कुर्बानी में जानवर ज़बह नहीं करते थे, बल्कि उसकी कीमत खैरात कर दिया करते थे। एक रात ख्वाब में क्या देखते हैं कि मैदान क़यामत बरपा है और पुलसरात कायम है, और दूसरे किनारे पर जन्नत है। बहुत लोग अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर पुलसरात को तय करते हैं और जन्नत में दाखिल होते हैं, और ये शख्स हैरान और परेशान खड़ा है कि मैं किस तरह गुजरूँ, न मेरे पास सवारी है और न कोई हीला। और ये शख्स भी सोच रहा था कि ये सवारियाँ लोगों के पास कहाँ से आती हैं और कौन देता है। अचानक आवाज़ आई, ये सवारियाँ उन लोगों की हैं जिन्होंने दुनिया में अपने लिए तैयार की थी, यानी ये सवारियाँ कुर्बानी के जानवर हैं। चूँकि तुम कुर्बानी नहीं करते हो, लिहाजा तुम सवारी से महरूम हो। जब आँख खुली, बहुत मुतासर हुए और कुर्बानी न करने से तौबा की और कुर्बानी करने लगे। कुर्बानी साहिब वसात मुसलमान पर दुनिया के हर मकाम पर वाजिब है। बाज़ लोग इश्काल के पेश करते हैं कि कुर्बानी सिर्फ मक्का में हिजाज के लिए ज़रूरी है, दूसरी जगह पर उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं। जवाबन ये तहरीर की हिजरत के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 बरस मदीना में रहे और 10 साल कुर्बानी करते रहे। 10 बरस मदीना में रहे और 10 साल मुकम्मल कुर्बानी की है। वो कुरान करीम के आयुन्नास हो आला कुल्ली अहली बैत फी कुल्ली आम उज़हिया, यानी हदीस शरीफ है तिर्मिज़ी शरीफ, ए लोगों हर घर वालों पर हर साल कुर्बानी ज़रूरी है। कुर्बानी का वजूब, कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम पर वाजिब है, जिसकी मिल्क में 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत का माल हो, हाजत असलिया से ज़्यादा हो, उसके सोना चांदी या उसके जेवरात हों, या माल तिजारत या ज़रूरत से ज़ायद घरेलू सामान या मस्कूना मकान से ज़ायद वगैरह कुर्बानी के मामले में उस पर साल गुजरना भी शर्त नहीं है, बल्कि मालियत मस्कूरा का मालिक अय्याम कुर्बानी में बन गया हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। इसलिए जो है हमारे लिए ज़रूरी है, कुर्बानी में ज़रूर हिस्सा लें और कुर्बानी करें। अल्लाह ताला हर किसी को कुर्बानी करने की तौफीक अता हो।